महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर, 3 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं, नामी गिरामी शख्सियत है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, देश के इनकम टैक्स पेयर्स में से टॉप में से एक हैं वो। अगर उनको किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो वो जो बेस्ट है देश में या इवन वर्ल्ड में भी उनके पास वो जा सकते हैं अगर उनको कोई ट्रीटमेंट चाहिए हो। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इन दिनों वो रांची के पास एक वैद्य के पास जाते हैं जो महज 40 रुपए में उनका ट्रीटमेंट करता है। जी हाँ, ये वैद्य जो है रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर लापुंग थाना क्षेत्र के कातिंग केला में पिछले 28 सालों से पेड़ के नीचे कई तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इस वैद्य जी के यहाँ लगभग 4 बार आ चुके हैं। वैद्य वंदन सिंह खेरवार के यहाँ सुबह से ही भीड़ लगती रहती है। दूर दूर से लोग झारखंड सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, छत्तीसगढ़ से इलाज करने पहुँचते हैं इन वैद्य जी के पास। आए थे, उनको दिक्कत घुटना में दर्द था, अभी भी है। आपको पता था कि महेंद्र सिंह धोनी है? सो हमको पता तो नहीं था कि यही है। हम लोग का झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी है वो जानकारी था, लेकिन यही है तो हमको जानकारी नहीं। बताने के कारण हम उनको पहचान किए। कितनी बार आपके पास आए हो? 5 बार। 5 बार? 5 बार भी दावा पी के हो गया। कौन कौन लोग थे साथ में उनके साथ? उनका भाई थे और एक साथ में, उनको नहीं पहचानते भाई यार, उनको पहचानते। उनके मम्मी पापा के लिए भी दवाई ले जाते थे क्या? मम्मी पापा उनका जो है करीब करीब 3-4 महीना पहले से आते थे दवा पीने के लिए, और उनको भी घुटना में उनका माँ बाप को दर्द, तो वही वो लोग दवा पीते थे। तो दवा पी के वो लोग कुछ आराम है, हाँ अभी भी उनका दवा चल रहा है और आराम है, तो हो सके वही बताए होंगे कि चलो बेटा वहाँ अच्छा दवा मिल, अभी आके दवा पी रहे हैं। और उनको पूछे हम कि कैसा आपका कुछ तबियत सुधार हुआ दर्द में, तो बोले कि हाँ सूजन कम हुआ है, थोड़ा दर्द भी कम। वैद्य बताते हैं कि धोनी बिना किसी तामझाम के सामान्य मरीज की तरह आते हैं, उनमें कोई बड़ा आदमी होने का गुरूर नहीं दिखाई देता है। बता दें कि ये जो वैद्य जी हैं वो हड्डियों की बीमारी के इलाज के लिए जो दवा तैयार करते हैं उसे मरीजों के लिए घर ले जाने की सुविधा नहीं है, और इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को भी वहां तक आना पड़ता है। हमको खुशी नहीं मिला, हमको खुद दुख मिला कि भाई उतना बड़ा क्रिकेटर को बीमार हुआ, वो हमको दुख, और उनको दुख दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमको खुशी खुशी उनका आपके पास आए, आप उनका अच्छा से इलाज करें, ये तो खुशी होगा ना कि आप वो अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे हैं। हाँ वो ठीक हो जाएंगे तब खुशी होगा, ठीक है। वो आए तो हमको खुशी बहुत नहीं है, लेकिन इतना खुश माने हमको ये हुआ कि वो बीमार हैं, और बीमार नहीं होना चाहिए कि हम लोग का एक जाने माने क्रिकेटर हैं और वो बीमार था, हम लोग को थोड़ा दुख हुआ, तो दुख को दूर करने के बाद जब दूर हो जाएगा तो हम खुशी रहेंगे। अच्छा बैज जी ये बताइए कि आप ये जो जड़ी बूटी जो दवाई बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं और कैसे इनका फायदा होता है और किन किन चीज़ों के लिए आप दवाई बनाते हैं? देखिए हम तो दवा विशेषकर हड्डी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हम लोग कैल्शियम का दवा बनाते हैं, हड्डी जोड़ का काम करते हैं। प्लस पॉइंट आपका कैल्शियम अगर शरीर में घुटना में अगर घट गया है, जिसको गठिया रोग कहते हैं चाहे बाद रोग का, उसको भी ठीक करने का काम ये दवा करता है। और लोग एक आस्था भी है, और कैसे लोग यहाँ पे कितने लोग काफी संख्या में लोग माने उम्मीद लेके आपसे आते हैं? करीब करीब आपको होता है रोज का भीड़ कम से 100 का मोटा मोटी रख लीजिए, 100 से कम भी होते हैं लेकिन लगभग हम लोग 100 रख लेते हैं। कभी 100 से ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी 100 से कम भी होता है, लेकिन हम लोग एक एवरेज 100 लगभग मान के चलते। कितना एक मिनिमम चार्ज होता है जो कि लोगों को पे करना पड़ता है, या फिर जो आप उस दवाई का खर्चा निकल पाए? देखिए एक चीज है, दूध हम लेते हैं करीब करीब 70-80 रुपये, ठीक है। और ये देसी गाय का दूध का मामला है, और देसी गाय का दूध 70-80 रुपये करके लेते हैं, सहीवाल का 100 रुपये और गिर गाय का 150 रुपये। ये 3 गाय का दूध को बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो है कातिंगकेला गांव में आपका गिर गाय का दूध नहीं मिलता, सहीवाल और देसी नस्ल गाय का। अब वो दूध को हम लेते हैं और वही एक गिलास का दाम ले लेते हैं, दवा बना के देते हैं तो 40 रुपये। बैची अगर किन्हीं का पैर टूटा हो, पैर फ्रैक्चर कर गया हो, तो वो आपके पास आने से वो सही हो जाएगा? देखिए ये तो पेशेंट आपका सामने बैठे हुए हैं, आप लोग पूछ सकते हैं पेशेंट से। हम अपना परिवारी चाहे अपना बड़ापन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना पेशेंट आ रहे हैं उनको घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।